बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आप साथ में भाई। आज डॉलर और रेट के मतलब आपको अपडेट कर दूंगा मैं। इस जो रियाल का रेट है सऊदी अरबिया टू पाकिस्तान के लिए, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, अभी अल्हम्दुलिल्लाह भाई रोज बरोज ऊपर ही जा रहा है। सिर्फ जो ओवरसीज़ हम पाकिस्तानी हैं हमारे लिए ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा हूँ। हकीकत बात है जो पाकिस्तान में मेरे भाई जो फैमिलीज़ बैठी हुई हैं, हालांकि हमारी फैमिलीज़ भी पाकिस्तान में हैं, लेकिन उस हिसाब से भाई हमारे यहाँ से जैसा कि पाकिस्तान में महंगाई होती है, रियाल का रेट आपको होता है हमारी, उस हिसाब से आप यही बोल रहे हैं कि सैलरी बढ़ जाती है। तो आज के रियाल रेट डॉलर रेट के मतलब बात कर लेते हैं। अगर डॉलर रेट के मतलब बात करें तो मैं आपको कन्फर्म बता दूं भाई, मैं पहले पढ़ रहा था 180 रुपये तजावज़ कर चुका है जी डॉलर, लेकिन स्टेट बैंक की तरफ से अभी भी ये कम बताया जा रहा है। अगर ओपन मार्केट की बात करें तो वहाँ पर भाई मैं अभी देख रहा था कि 178 क्रॉस कर चुका है, ओपन मार्केट में 180 पर सेल हो रहा है। तो अगर वैसे स्टेट बैंक की बात करें तो 170 रुपये 61 पैसे था जी कल का रेट, यहाँ पर आपको दिखा भी रखाऊंगा, आज हो चुका है जी 170 रुपये 71 पैसे, ठीक है जी, ये आज का रेट है। लेकिन 178 पैसे तजावज हो चुका है, ये कन्फर्म न्यूज़ है, और ओपन मार्केट में 180 रुपये तक का सेल हो रखा है। अगर रियाल रेट के मुतालिक बात करें तो कल ही मैंने आपको बताया था 47.4 रेट था, और इंजाज बैंक का कन्फर्म रेट 47.67 था, और आज हो चुका है 47.12, ठीक है जी, 47.12 पैसे बोल रहे हैं आप यार। ये एक रियाल का रेट हो चुका है पाकिस्तान में, अगर आप 1000 भेजते हैं तो अंदाज़ा कर लीजिए खुद से 47,000 से प्लस में ही बनेंगे। तो रियाल का रेट भाई रोज़ बरोज़ ऊपर ही जा रखा है डॉलर के हिसाब से। अगर इंजाज बैंक की आज की या राजीव वगैरह बैंक की अगर कन्फर्म बात करें तो 47.60 से लेकर 47.90 यानी कि 50 to 48 के अराउंड में इस वक्त रेट कन्फर्म चल रहा है।